हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम SBI का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो ATM का यूज़ करके कैसे एक्टिवेट करना है इसका प्रोसीजर देखेंगे। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले SBI का योनो एप्लीकेशन ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें से सेकेंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कस्टमर, उसको आपको चूज़ करना है। फिर अगली स्क्रीन पे आपको फिर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से सेकेंड ऑप्शन है रजिस्टर्ड विद माय ATM कार्ड, ये आपको चूज़ करना है। अगले पेज पे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आपको रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। OTP एंटर करने के बाद अगली स्क्रीन पे आपको आपका नाम दिखाई देगा और आपका कस्टमर ID दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है व्यू, अगर आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ अपना अकाउंट व्यू कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लिमिटेड, अगर आप ये चूज़ करते हैं तो आप सिर्फ अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर FD वगैरह बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है फुल, अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप अपना अकाउंट भी व्यू कर सकते हैं और इसमें सारे ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं, तो इसीलिए हम फुल ऑप्शन चूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे आपको आपके ATM के जो लास्ट 6 डिजिट प्रिंटेड रहते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगले पेज पे आपको आपके ATM का पिन एंटर करना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर अगले पेज पे आपको आपका यूज़र नेम सेट करना है और फिर पासवर्ड सेट करना है। यूज़र नेम के लिए आपको मिनिमम 3 कैरेक्टर आपका यूज़र नेम होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक आप यूज़र नेम बना सकते हैं। आप जब यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे तो उसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है और यूज़र नेम में कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के आपको यहाँ पे एंटर करना है। अभी यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना के एंटर करना है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। इसमें कम से कम एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, नंबर होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे हमें पासवर्ड एंटर करना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा एंटर करना है और फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली योनो ऐप एक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगली प्रोसीजर है MPIN बनाने की। MPIN हमें इसलिए चाहिए ताकि जब भी हम योनो एप्लीकेशन ओपन करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट का MPIN एंटर करके हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम MPIN नहीं बनाते हैं तो आपको योनो एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी MPIN कैसे बनाते हैं इसकी प्रोसेस देखते हैं। अगले पेज पे आपको MPIN यूज़ करने के लिए कंसर्न देना है। आपको बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स पे आपको टिक मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगले पेज पे सेट न्यू MPIN का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको कोई भी 6 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे एंटर करना है। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो एक यूनिक नंबर का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे एंटर कीजिए, फिर उसको दोबारा यहाँ पे एंटर कीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इस तरह से हमने योनो ऐप में पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अभी हम योनो ऐप में लॉगिन करके देखते हैं। उसके लिए लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, फर्स्ट है MPIN, सेकेंड है यूज़र ID। तो हमने अभी MPIN बना लिया है तो यहाँ पे हम सिर्फ 6 डिजिट नंबर करेंगे तो SBI का योनो एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके हमें लॉगिन करना है तो उसकी बहुत लेंदी प्रोसीजर रहेगी, तो इसलिए हम MPIN को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम 6 डिजिट का MPIN एंटर करेंगे तो आपका योनो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम SBI का योनो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम योनो एप्लीकेशन यूज़ कैसे करना है ये देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।